जय बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 में TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है समझना पहले आपको। बेटा रिफ्लेक्शन मतलब लाइट रे जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में दोबारा लौट रहा है। रिफ्लेक्शन का मतलब यही है कि लाइट रे अपने पास से दोबारा जिस मीडियम से आ रही है उस मीडियम में लौट रहा है। अब आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल रिफ्लेक्शन इंटरनल रिफ्लेक्शन में पहली कंडीशन थोड़ा देखना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें बाद में समझाऊंगा इसमें हो क्या रहा है। देखना बेटा, मेरे पास एक ये मैंने लाइन बना दी, लाइन ऑफ इंटरफेस। जिस कौन सी लाइन है? लाइन ऑफ इंटरफेस। ठीक है, लाइन ऑफ इंटरफेस पर एक लाइट रे कंटिन्यू आके फॉल करी इस पर। अब जहां पर लाइन लाइट रे इंटरफेस हुई, वहां पर हमने एक नॉर्मल बना दिया एन एन डैश। थोड़ा समझना, एक लाइट रे आई, लाइन ऑफ इंटरफेस ये बनाई सर आपने, और उस जहां पर लाइट रे इंसिडेंट हुई वहां पर मैंने एन एन डैश नॉर्मल बना दिया। अब लाइट रे जो आई थी वो आई थी डेंसर मीडियम से। कहां से? सर ये आपका डेंसर मीडियम है और दूसरा रियर मीडियम, इस रियर मीडियम पे आई। अब रूल कहता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, रूल कहता है यदि लाइट रे डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल से दूर हटेगी। यानी कि लाइट को जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन। यदि कोई मीडियम नहीं होता, यदि कोई दो मीडियम नहीं होते तो लाइट जाती बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। बट लाइट ने यहां पर रियर मीडियम है तो लाइट नॉर्मल से दूर हटेगी। लाइट नॉर्मल से दूर हटेगी। सर हटा दिया आपने, बहुत अच्छा किया। ठीक है ना, अब देखना यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। सर आइए थोड़ा गौर से देखना, मैं केवल यहाँ पर एक टिक लगाया, यानी कि लाइट रे आई यहाँ पर, मैंने उस लाइट रे को मैंने रिफ्रैक्टेड कर दिया, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे चलेगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूँ। अभी कितना है आई है, मैं और बढ़ा रहा हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, मैं इस पर दो टिक लगा रहा हूँ दूसरी लाइट जो मैंने लाया। ठीक है ना, उस पर दो टिक लगाया मैंने और मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा, इस हिसाब से लाइट जाएगी सीधी लाइन पर। अब कैसी हटी? सर और दूर हटी। अब इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन ये हुआ, अब लाइट रे इस पाथ पर निकल गई दो। ठीक है ना, मतलब में आ गई ना। पहली सर आपने लाइट रे एक एंगल बनाया था जिसके समझ में नहीं आ रहा है, मैं दोबारा से इसी पाथ को दोबारा से दूसरे डायग्राम में समझा देता हूं। ठीक है ना, पहले दूसरे डायग्राम में समझा दूंगा इसी को कि सर पहले लाइट रे आई थी, ये आई थी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेरा यहां पर बना आर आई वन आर वन। अब मैंने दोबारा से मैं एक लाइट रे ला रहा हूं, लेकिन इसका एंगल बड़ा है, मीडियम वही है, दूसरा डेंसर मीडियम दूसरा रियर मीडियम। सर आपने एंगल बढ़ा दिया और इंसिडेंट एंगल बढ़ गया आई। जब इंसिडेंट एंगल बढ़ गया तो लाइट को इस पाथ पर जाना चाहिए था कि कोई मीडियम नहीं होता, बट रियर क्या हुआ, रियर मीडियम में जाने पर लाइट अपने पास से डेविएट होगी और बाहरी तरफ निकल गई इस तरह से, दूसरा कंडीशन। अब मैं और एंगल, अभी आई वन था, अब मैंने बढ़ा के आई टू बढ़ा दिया, अब मैं एक एंगल और बढ़ा रहा हूं और इससे भी ज्यादा बढ़ा रहा हूं, आई टू से भी बढ़ा रहा हूं। तो अब क्या होगा देखना भाई, ये मेरा नॉर्मल हो गया, ये मेरा डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम, मैंने एक एंगल और बढ़ाया। खुद देख रहे होंगे यहां पर जो छोटा था आई उससे आई बढ़ा और आई बढ़ा दिया मैंने। अब मेरे पास एंगल आई यहां पर हो गया। अब क्या होगा, लाइट को जाना चाहिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन पाथ पर, बट लाइट और डेविएट होगी, और डेविएट होगी लाइट इधर चलेगी, कहां चलेगी, पॉइंट ऑफ इंटरफेस के साथ में, जहां पर दोनों मीडियम मिले तो वहां चलेगी। और यहां पर यदि मैं नॉर्मल के साथ में एंगल ढूंढूं, मुझे मिला मेरे एंगल आर, और आर की वैल्यू कितनी निकली मुझे यहां पर 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। यानी कि जो आई कौन सा हो गया, आई क्रिटिकल कहलाएगा। दोबारा समझना, पहले मेरा आई कुछ था ए वैल्यू की, लाइट रिफ्रैक्टेड हुई नॉर्मल से दूर हटी, मैंने आई को और बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया, लाइट रे और बाहर निकली, मैंने आई को और एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा दिया। तो मैं क्या देख रहा हूं, मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब मेरा उस डेंसर रेयर मीडियम में था वो कहां हो रहा है, जहां पर दो मीडियम मिले थे उस पर चला गया, और जो एंगल बना वो कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का बना। जिस एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिस इंसिडेंस एंगल पर
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। उस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिटिकल एंगल। अब सर क्या होगा? सर आप और बढ़ाओगे तो आप और बढ़ा देता हूं मैं इस पर। देखो यहां पर मैंने फिर नॉर्मल बनाया, जी मेरा टेंशन मीडियम, जी मेरा रियल मीडियम, लाइट को मैंने और बढ़ा दिया, एंगल और बढ़ाया, यानी क्रिटिकल से भी बढ़ा दिया मैंने, क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दिया, तो लाइट रे रियल मीडियम में जाने के बजाय नॉर्मल की तरफ और आनी चाहिए थी, और लाइट रे गैस चली ये जा रही लाइट 1 2 3 और जो है सो 4 लगा देता हूं, ठीक है ना। देखिए इसमें मैं 3 लगा देता हूं लाइन, यानी कि बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। अब क्या हुआ सर? आपने यहां पर एंगल किससे बढ़ा कर दिया? आईसी से बड़ा कर दिया आपने एंगल, आईसी से भी ज्यादा कर दिया, मोर देन आईसी, मोर देन आईसी से बड़ा, ये एंगल कितना कर दिया हमने? आईसी से बड़ा कर दिया। तो लाइट क्या हो गई? रियल मीडियम के जाने के बजाय डेंसर मीडियम में ही वापस हो गई, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा कि लाइट रे डेंसर मीडियम से आई और डेंसर में ही वापस लौट गई, इस कंडीशन को हम बोलते हैं TIR। TIR समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर TIR? पहली कंडीशन कि लाइट रे कम फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, पहली कंडीशन क्या है? लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में आनी चाहिए, TIR के लिए पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप नोट कर लीजिए, पहले से डायग्राम को बनाइए पहले, और फिर लिखिए कंडीशन फॉर TIR। इस डायग्राम को बनाओ, लिखो कंडीशन फॉर TIR, कंडीशन फॉर TIR, कंडीशन फॉर TIR। इसके डायग्राम बन गया, ठीक है, इसे नहीं बना पाया वो नोट कर ले, बाद में बना लेना। लिखना कंडीशन फॉर TIR, लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर, लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। दूसरी कंडीशन लिखना बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। ये 2 कंडीशन 2 नंबर में पूछ जाती है एग्जाम में, कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर TIR। तो पहली होगी लाइट रे डेंसर से रियर जा रही होगी, और दूसरी बात कंडीशन होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। एक नोट डालना बेटा, नोट डालो उसमें क्रिटिकल एंगल, नोट डालो क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, द एंगल on the angle of incidence in denser medium, in the denser medium for which the angle of रिफ्रैक्शन इन रियर मीडियम इज 90 डिग्री। दिस इंसिडेंट एंगल इज नोन एज
क्रिटिकल एंगल एंड डिनोटेड बाय आईसी, एंड डिनोटेड बाय आईसी सफिक्स में सी होगा, क्रिटिकल एंगल एंड डिनोटेड बाय आईसी, डन बेटा। क्रिटिकल एंगल पर बेस अभी तक सीबीएसई में एक दो बार लास्ट दो साल से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, एवरी टाइम के क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल से बेस क्वेश्चन क्या है। मैं क्वेश्चन आपको बताया था, वैसे आप लोगों को पर नॉलेज पता ही लगी होगी। क्वेश्चन है कि क्रिटिकल एंगल के नॉलेज को रखते हुए कोई डायमंड कटर किस तरह से डायमंड को काटेगा। दोबारा सुनना, यदि किसी डायमंड कटर को क्रिटिकल एंगल की नॉलेज है तो वो डायमंड कटर किस तरह से डायमंड को काटेगा। इसका आंसर देता हूं, यदि डायमंड कटर को क्रिटिकल एंगल की नॉलेज है तो वो क्या करेगा, डायमंड में नंबर ऑफ फेसेस अधिक लगा बनाएगा, नंबर ऑफ फेसेस अधिक बनाएगा, और यदि नंबर ऑफ फेसेस अधिक बने उस डायमंड में तो डायमंड और अधिक चमकीला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि लाइट उसके अंदर जितने अधिक फेस होंगे उतने अधिक फेस से लाइट अंदर इंटर करेगी, और लाइट इतने अधिक इंटर करेगी, मैं सिंपल सा यदि आपको चौक के बॉक्स की बात करूं इसको लेके, तो पहले लाइट इस फेस से इंटर करेगी, और इंटर करेगी तो क्या करेगी सर, वो टी आई आर करेगी और अंदर चमकी दिखेगी, इस फेस से करेगी, इस फेस से करेगी, इस फेस से करेगी। अब कितने फेस लाइट इंटर कर रही है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 फेस से इंटर कर रही है इसमें, इस बॉक्स में। यदि मान लो ये डायमंड का बॉक्स है और लाइट इसके अंदर टी आई आर कर रही है, ठीक है ना, यदि मैं इसमें फेस की वैल्यू बढ़ा दूं, यानी कि ऐसे ऐसे इस तरह कर दूं, अब फेस कितने होगा इसमें सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पहले 6 फेस थे, कितना होगा 10 फेस हो गए, ठीक है ना। अब 10 फेस होगा तो लाइट रे इन 10 फेस से इंटर करेगी, तो पहले जो लाइट रे थी आपकी वो इंटर कर रही थी 6 फेस से, डायमंड चमक रहा था क्योंकि चमक क्या हो रहा था, टी आई आर हो रहा था, टी आई आर से चमकेगा, और ये मैंने फेस की नंबर बढ़ा दी है तो क्या हुआ, डायमंड और ज्यादा चमकीला दिखेगा। तो क्या करेगा डायमंड कटर, नंबर ऑफ फेसेस को बढ़ा देगा जिससे डायमंड और अधिक चमकीला दिखाई देगा, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको कि डायमंड कटर क्या यूज करता है, टीआईआर की कंडीशन को यूज करता है जिससे कि नंबर ऑफ फेस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फेस बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायमंड अधिक चमकीला दिखाई देगा। नेक्स्ट है डालो बेटा इसमें ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर डाला इसमें लिखना बेटा, ऑप्टिकल फाइबर में ऑप्टिकल फाइबर इज अ ऑप्टिकल फाइबर इज अ एप्लीकेशन ऑफ TIR, which is useful in communication for carrying data very fast without line loss. Next one is optical fiber is a light weighted cable have greater information carrying capacity, lightweight cable have greater information carrying capacity, greater information carrying capacity. चलो।
बेटा अब मैं बात कर रहा हूं उसमें ऑप्टिकल फाइबर में कैसे काम कर रहा है। मैंने एक ऑप्टिकल फाइबर का आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, होता क्या है देखना भाई। इसमें एक लेयर ये दिख रही है और एक लेयर आपको ये दिख रही है, इसको हम बोलते हैं कोर। अंदर वाले को हम बोलेंगे कोर, सी ओ आर ई कोर, ठीक है ना। और बाहर वाली जो लेयर दिख रही है उसे हम बोलते हैं क्लैडिंग, सी एल ए डबल डी आई एन जी, सी एल ए डबल डी आई एन जी। बेटा एक हो गए इसमें कोर और दूसरा हो गया क्लैडिंग, दो नाम याद रखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर बनाया मैंने, इसमें अंदर वाले को हम बोलते हैं कोर और बाहर वाले को बोलते हैं क्लैडिंग, ठीक है ना। अब डाटा कहां चलेगा, तो डाटा चलेगा इसमें, जब इसमें चलेगा और जब किस पर वर्क कर रहा है, जब टी आई आर पर वर्क कर रहा है तो यहां आया यहां पर आया। अब देखो भाई टी आई आर में आया और टी आई आर की कंडीशन आप ऑलरेडी जानते हो कि डेंसर से रियर मीडियम में जा रही होगी, तो कोर क्या होगा, कोर होगा आपका डेंसर मीडियम, कोर क्या होगा डेंसर मीडियम, और क्लैडिंग कैसी होगी आपकी रियर मीडियम। यदि हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, यदि हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो बेटा कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कैसा होगा, हाई होगा, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कैसा होगा सर, कंपैरेटिव कोर की कंपेयर में कम होगा, तभी तो रियर मीडियम होगा वो। तो दोबारा समझना, यदि आप डेंसर मीडियम करते हैं तो कोर या डेंसर मीडियम और क्लैडिंग का रियर मीडियम। यदि आपसे पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, तो आप कहेंगे कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, कंपैरेटिव लेस होगा, ठीक है। अब हुआ क्या, डाटा आया, इंफॉर्मेशन आई, और इसके थ्रू जैसे यहां पर आई, अब ये मीडियम कौन सा है, तो ये डेंसर मीडियम है, आपको दिखाई दे रहा है, और ये कैसा मीडियम है, रियर मीडियम। लाइट रे डेंसर से रियर मीडियम जाएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ, तो क्या हुआ, लाइट डेंसर मीडियम में दोबारा लौट जाएगी, डेंसर मीडियम में दोबारा लौट जाएगी। अब वो यहां पर हुआ, अब यहां पर लाइट आई, ये डेंसर मीडियम रियर मीडियम जाने के लिए हुई, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल ज्यादा हुआ, तो फिर क्या हुआ, लाइट दोबारा से डेंसर में लौट आई, और यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। इसलिए इसमें लाइन लॉस बिल्कुल बहुत कम होता है, और इस तरह से आपका ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है। यानी क्या हुआ, मेरा डायग्राम बना लो, कोर लिख लो, क्लैडिंग लिख लो, आप पता चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी है, कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग की कम है और कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। यदि हम प्रैक्टिकली बात करें, प्रैक्टिकली में कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 रखते हैं और क्लैडिंग की 1.48 रखते हैं, लिख देता हूं जिसकी बात कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली में इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48 और इसकी रिफ्रैक्टिव 1.52, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद दिख रही है कि किसकी ज्यादा है, 1.52 या कोर एंड 1.48 या क्लैडिंग, ठीक है ना। और इसका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, यानी कि माइक्रोमीटर में होता है साइज, आप देख रहे हैं इतना मैंने ज़ूम करके दिखाया आपको, ये वास्तविक इसमें होगा माइक्रोमीटर में साइज होगा, बहुत पतला रेयर वायर के टाइप का होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है ऑप्टिकल फाइबर के पार्ट्स के नाम बताओ, तो आपको पार्ट्स के नाम बताने हैं सर। ऑप्टिकल फाइबर में कोर है, द कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी हाई, इन प्रैक्टिकल वी यूज 1.52। दूसरा पार्ट है क्लैडिंग, सर क्लैडिंग इज आउटर पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, दिख रहा है आपको आउटर पार्ट है, मतलब आउटर पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कंपैरेटिव लेस देन कोर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपैरेटिव कम होता है, इन प्रैक्टिकल वी यूज 1.48, इन प्रैक्टिकल वी यूज 1.48 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग। देन व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम कोर, द कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाई, तो लाइट रे कंटिन्यू हैव टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड द लाइन लॉस इज वेरी वेरी लेस, ठीक है ना। चलिए अब आ डालना टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, नंबर वन प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर, प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर, नंबर टू ग्लास ऑप्टिकल फाइबर, ग्लास ऑप्टिकल फाइबर। अब प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर डालना, कुछ क्वालिटीज किसमें लिख लेना,
ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर, प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर नंबर वन, प्लास्टिक ऑप्टिकल फाइबर नंबर वन डालिए चीपर, नंबर टू फ्लेक्सिबल, चीपर फ्लेक्सिबल सस्ता होता है चीप, नंबर टू फ्लेक्सिबल, नंबर थ्री विदस्टैंड मोर स्ट्रेस, अधिक स्ट्रेस को भी झेल जाता है प्लास्टिक वाला, विदस्टैंड मोर स्ट्रेस, विदस्टैंड मोर स्ट्रेस, बट इसमें लिख देना जितना इसकी प्रॉपर्टी होगी, इसकी स्ट्रेंथ है इसकी, किसकी प्लास्टिक वाले की, सस्ता होता है, नंबर टू आपका अधिक स्ट्रेस को झेल जाता है, मोड़ वाले मोड़ नहीं झेल जाएगा, और नंबर थ्री जो मैंने आपको बताया वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं कि अच्छा कौन है, तो बेटा इसमें जो इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी होती है ग्लास से थोड़ा कम होती है, ठीक है ना। तो आप इसमें और एक लाइन ले सकते हैं, द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी इज कंपेयर्ड लेस, द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी इज कंपेरेटिव लेस, कंपेरेटिव लेस इन कंपेयर टू ग्लास, इन कंपेयर टू ग्लास, इन कंपेयर टू ग्लास। अब आप लिखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी किसकी, ग्लास ऑप्टिकल फाइबर की, ग्लास ऑप्टिकल फाइबर की प्रॉपर्टी लिखिए, नंबर वन ग्लास ऑप्टिकल फाइबर की पहली प्रॉपर्टी, मोर इफिशियंट इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी, मोर इफिशियंट इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी। अब ग्लास का बना है तो यदि हमने इसको मोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी कि ब्रिटल है, ब्रिटल जानते हो ना, क्योंकि तो मोड़ने पर ग्लास जमीन पर ग्लास टूट जाते हैं, उसे क्या है तुरंत टूट जाएगा, यदि आपने इसको थोड़ा अधिक मोड़ दिया तो टूट जाएगा। इसका मतलब क्या है सर, ये ब्रिटल है और इसकी अधिक स्ट्रेस को नहीं झेल पाएगा, ठीक है ना। तो इट इज लेस फ्लेक्सिबल, इट इज लेस फ्लेक्सिबल, इट इज लेस फ्लेक्सिबल, लिटिल कॉस्टली, लिटिल कॉस्टली, इट इज लेस फ्लेक्सिबल, लिटिल कॉस्टली एंड नॉट विदस्टैंड, नॉट विदस्टैंड मोर स्ट्रेस, नॉट विदस्टैंड मोर स्ट्रेस। अब आते हैं और उस डायग्राम TIR के रिलेटेड, बेटा इस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल तो नहीं आते, बट इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन मैं दो बार तीन बार सीबीएसई में देख चुका हूं कि इसमें आपको कह दिया जाएगा कि लाइट रे को कंप्लीट करिए, लाइट रे को कंप्लीट करिए, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न रखा होगा, डायग्राम बना होगा इस तरह से, और कहा जा रहा होगा कि इनमें लाइट रे को कंप्लीट करिए, ठीक है ना, लाइट रे को कंप्लीट करिए। इसको देखिए, यदि मेरे पास एक ए बी एक ऑब्जेक्ट है और सामने रखा हुआ है ट्रायंगुलर प्रिज्म, आप देख रहे हैं 90 डिग्री का ट्रायंगुलर प्रिज्म रखा गया हुआ है और लिखा हुआ है सीबीएसई में कि इस लाइट रे को कंप्लीट करिए, तो बेटा देखना यदि यहां पर TIR हो रहा होगा तो आपको क्या दिख रहा होगा, यहां पर TIR होगा, लाइट रे यहां चली जाएगी, आप खुद देखिए यहां से मैं नॉर्मल बना रहा हूं, और यदि यहां से नॉर्मल बना तो यहां से भी ये नॉर्मल बन गया एन एन डैश एन एन डैश। तो अब आप क्या देख रहे हो, ये आपका हेड, ये आपका इस तरह से ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, और इस तरह के प्रिज्म का यूज करते हैं कहां पर, बायनोकुलर्स वगैरह, जितने भी बायनोकुलर्स वगैरह होते हैं उसमें इस तरह के प्रिज्म का यूज करते हैं कि यदि कभी भी एक ऑब्जेक्ट ये है और इस पर किसी प्रिज्म से TIR हो रहा है तो फिर फाइनल इमेज कहां बनेगी सर, फाइनल इमेज ये बनेगी ए डैश बी डैश पर। तो TIR हेड डालिए TIR बाया प्रिज्म, TIR बाया प्रिज्म, और इस डायग्राम को बना लीजिए, ये कौन सा है आपका 90 डिग्री वाला प्रिज्म है आपका, ठीक है ना, मैं TIR बाया प्रिज्म हेड डालिए TIR बाया प्रिज्म, और इसको आपको रे डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं करना है, क्या हो रहा है TIR हो रहा है और रे डायग्राम को बनाना है, ठीक है ना, TIR बाया प्रिज्म आपको रे डायग्राम बनाना है, और किसी को डाउट हो तो बाद में आप उससे पूछ लीजिए, ठीक है ना। फिलहाल तो आप इसको कंप्लीट करिए रे डायग्राम एक प्रिज्म से, यदि मैं दूसरा प्रिज्म बनाऊं
इस तरह मैंने प्रिंट कर रखा, दिख रहा होगा प्रिंट मैंने इस तरह रखा, ठीक है ना। अब इसमें टी आई आर कराओ, मेरे पास ऑब्जेक्ट ये है, लाइट रह गई इस तरह से, कहा हुआ हो कि इसमें टी आई आर हो रहा है, आप लाइट को कंप्लीट करिए। दोबारा बोल रहा हूं कि आपको बस इतना ही क्वेश्चन आता है कि इस प्रिज्म में टी आई आर हो रहा है, कंप्लीट द लाइट रे, ठीक है ना। अब फाइंड आउट द वेयर द फाइनल इमेज हैज बीन प्रोड्यूस, ठीक है ना। अब ये लिखा हुआ कि फाइनल इमेज कहां पे प्रोड्यूस होगी, केवल इतना लिख बन के आता है एग्जाम में। आप चाहो तो लास्ट 2 साल के 3 साल के पेपर देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बना हुआ। तो आपको इमेज बनानी है कहां पर है, या फिर उस तरह से बना हुआ है तो फाइनल इमेज कहां बनेगी, थोड़ा उसको देखना। ये लाइट रे गई यहां पे टकराई, क्योंकि आपको यहां पे नॉर्मल बना दिया मैंने, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये नॉर्मल आपको बनाने पड़ेंगे दोनों, एन एन डैश एन एन डैश, देन आफ्टर। अब क्या हुआ, जब बोल रहा हूं कि टी आई आर हो रहा है, तो टी आई आर हो रहा है तो मतलब लाइट रे यहां से आई, क्योंकि यहां पर टी आई आर नहीं होगा कोई, किसी विदाउट एंगल से आ रही है, और यहां पर भी टी आई आर नहीं होगा, लाइट यहां पर आ गई। अब देखो बेटा लाइट रे वाली इमेज जो बनेगी फाइनल इमेज, वो इस तरह से बनेगी, दिख रही है, ये ए बी है, तो यहां पर बी डैश ए डैश। इस लाइट रे को पूरा करो बेटा, दूसरा प्रिज्म से लाइट रे इस तरह से बनेगी। यदि हम बात करें एक प्रिज्म और रखा हुआ है इस तरह से, इस तरह से रखा हुआ है प्रिज्म, और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरह से, इसमें लाइट रे को कंप्लीट करिए, इसमें टी आई आर हो रहा है और लाइट रे को कंप्लीट करिए, कैसे होगा वो भी देखेंगे हम। पहले लाइट रे यहां पर कंटिन्यू गई, अब यहां पर आप बनाएंगे नॉर्मल, और जैसे ही नॉर्मल बनाया लाइट रे नॉर्मल की तरफ झुकेगी, फिर क्या होगा यहां पर, इस कंडीशन में यहां पर टी आई आर होगा, यहां पर टी आई आर हुआ और यहां पर टी आई आर हुआ, फिर क्या होगा सर, लाइट रे फिर इस तरह यहां पर जाएगी, और यहां पर मतलब रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि डेंसर मीडियम है या रियल मीडियम, रिफ्रैक्शन होगा लाइट रे, रिफ्रैक्शन होगा और लाइट रे इस तरह से और इस तरह से, और इमेज बनेगी वो यहां बनेगी, यानी कि ये ए है ये बी है, तो इमेज बनेगी ए डैश बी डैश पर, इमेज बनेगी ए डैश बी डैश पर, ठीक है ना। तो इस तरह की आपके यहां लाइट रे कंप्लीट करने के लिए आती है, इसमें इस तरह से आपको सभी में लाइट रे शो करनी पड़ेगी, जरूरी है यहां पर आपको लाइट रे शो करनी पड़ेगी कि लाइट रे कहां से कहां जा रही है। इसमें से इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट पूछ चुका है, पूछा जा चुका है, और जो क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, जो दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड में पिछले 3 साल 4 साल के एग्जाम का पेपर बारे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आपने लिख लिया है, आपने लिख लिया है कि लाइट रे यदि टी आई आर हो रहा है तो यहाँ पर भी टी आई आर हो रहा है, यहाँ पर भी टी आई आर हो रहा है, और यहाँ पर भी टी आई आर हो रहा है, ठीक है ना। जैसे हम टी आई आर कंडीशन है, यदि कहीं पर टी आई आर कंडीशन हो रही है और सामने प्रिज्म है, तो लाइट रे का पाथ डायग्राम इस तरह से बनेगा, और ये आपको ऑलरेडी याद रखना है। अब इसमें कुछ मत करो, परेशान मत हो, कि लाइट रे का पाथ डायग्राम यदि टी आई आर है तो भैया यही बनेगी और कुछ नहीं बनेगी। यदि यहाँ रखा है तो कहाँ इमेज बनेगी, वहां रखा है तो कहाँ बनेगी, और ऑब्जेक्ट वहां रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट साइड डालो बेटा, नेक्स्ट साइड डालो, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, लेट इसमें क्या लिखो, पहले लेट लाइट रे कम्स फ्रॉम डेंसर टू रियर मीडियम देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आईसी। मैं पहले जानता हूं क्रिटिकल एंगल होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से नोट करते हैं, आईसी से, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आईसी एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू 90 डिग्री। मैं पहले बोल चुका हूं कि
क्रिटिकल एंगल यदि कहीं बन रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। देखना मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है ना, कैसे समझना है वो देखना। कि मेरे पास एक लाइट रे है, ये मेरे पास रियल हो गया, ये मेरे पास डेंसर मीडियम हो गया, उल्टा हो गया, ये मेरे पास रियल मीडियम है और दूसरा मेरे पास डेंसर मीडियम है, ठीक है ना। लाइट रे कहां रही है, डेंसर। क्रिटिकल एंगल कब होगा, जब लाइट रे डेंसर से रियल जा रही होगी, ठीक है ना। यानी कि इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मैं 1 बना रहा हूं, मीडियम मुझे 2 मीडियम बना रहा हूं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, उल्टा होगा लेकिन समझ में सबके आ रहा होगा, कोई बात नहीं। लाइट रे कहां जा रही है, डेंसर मीडियम से कहां जा रही होगी, रियल मीडियम में जा रही होगी। इस मीडियम जा रही होगी डेंसर से रियल मीडियम में, तो अब कहां जाने लगी, सर इस पाथ पर चली गई। अब देखना इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, आईसी बोलेंगे, और ये एंगल आपको दिख रहा है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। डन, तो डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बन गया होगा तो मैं इसको प्रूव कर रहा हूं, ठीक है, कितना हो रहा हो, कैसे रिजल्ट निकल रहा है। देखो अभी हम इसमें स्नेल्स लॉ लगाए, स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर। मैं ऑलरेडी एक केवल और केवल एक लाइट की बात कर रहा हूं, एक स्पेसिफिक कलर की बात कर रहा हूं, और उसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ है, और लाइट रे कैसी है, कोई भी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रे ली, ठीक है ना। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू लाइट रे। देखो भाई अब क्वेश्चन आता है सर कहां से कहां जा रही है, इसको शॉर्ट रे याद है, बहुत इसको पता है, बहुत अच्छी बात है, और इसको नहीं पता है थोड़ा यहां पर देख लेना। लाइट रे जिसमें शॉर्ट रे बता रहा हूं, लाइट रे जिस मीडियम में जाती है वो पास में होता है। डन, यानी कि देखो इंडेक्स 1 रिफ्रेक्टिव मीडियम 1 2, ठीक है ना। ध्यान रखना, दोबारा बार बोल रहा हूं मैं, लाइट रे जिस मीडियम में जाती है वो हमेशा शॉर्ट रे के हिसाब से बाकी आपको क्वेश्चन बहुत समझ, मैंने कुछ पढ़ाया आपको बहुत पढ़ा दिया देखो फिर भी समझ में नहीं आया, तो क्या करना है, एक दिमाग लगा देना है, लाइट रे जिस मीडियम में पहुंचती है वो एन के बगल में होता है, बस ये ध्यान रखना। यदि लाइट रे 2 मीडियम में पहुंचती तो एन बगल में क्या होता, 2 होता। डन, चलो भाई यहां पर देखना बेटा, साइन आई और साइन आर इक्वल टू एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। डन, चलिए यदि मैं साइन आई की वैल्यू पुट करूं तो साइन आई की जगह पर मैं आई सी लिख रहा हूं, और यहां पर मैं लिख रहा हूं साइन 90 इक्वल टू 1 2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है मैं बता रहा हूं, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो बेटा देखना साइन आई सी अपॉन 1 इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। आपके इतना समझ में आ गया साइन आई सी इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। यदि मैं इसको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू बनाए तो हम कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे, सर हम रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल लगा देंगे, यानी कि साइन आई सी इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। यदि मैं यहां से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 2 निकालें तो क्या निकलेगा, 1 अपॉन साइन आई सी। बेटा ये रिलेशन होता है किसका, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। वैसे आपका ये भी सही था लेकिन हमें निकालने के लिए होता है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ही निकालते हैं, तो वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 अपॉन साइन आई सी निकलेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लेंस, वो हम बात करते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।